अस्सलाम रिम्स सिंथ टॉक के साथ मैं हूं नसरत हालस और आज हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान हैं इंटरेस्टिंग के साथ साथ उनकी एक जर्नी है और जर्नी है स्टोरी है हमारा मकसद उनसे सवालों जवाब करना है लेकिन उसके साथ साथ वो 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 इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करना है जो बहुत से लोगों को पता होनी चाहिए जब आप बीती आप सुनते हैं तो बहुत सी उन चीज़ों को रियलाइज़ कर लेते हैं या डाइजेस्ट कर लेते हैं जो अगर आपके साथ गुजरे हो या इर्द गिर्द आप वैसे देख रहे हो तो शायद आपको उसके बारे में पता नहीं चलता या रिएक्शन कैसा होना चाहिए या आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए या इंप्लीमेंटेशन कौन कौन से होने चाहिए इसके बारे में आपको पता नहीं चलता मैं बात कर रही हूँ पिछले दिनों बहुत आपने नाम सुना हमने नाम और अब तक सुन रहे हैं माशाल्लाह डॉक्टर सारा गिल हमारे साथ मौजूद हैं जैसे मैंने बताया डॉक्टर हैं आपको कहते हैं so डॉक्टर सारा जे से मुंसलिक हैं और जो जो खबरें जिस तरह से आई वो जिस तरह हमारे पास आ, हम जब ट्रांसजेंडर्स की बात करते रहे तो एक दौर ऐसा था कि हम एक, एक स्पेसिफिक मोड में उसकी बात करते थे बट लकीली हम उस एरा में एंटर हो गए हैं जहां हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं जहां हमारे पास लॉयर भी मौजूद हैं मैं उनको भी एक दफा मिल चुका सो so, आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद जेपीएमसी का हिस्सा बनने के लिए और अपनी इस जर्नी को मुकम्मल करने के लिए पहले तो मुझे इसके बारे में बताइए कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुंचकर और जेपीएमसी के साथ आपके जो आ, लेज ऑन हुआ है सिंध हुकूमत ने उसमें आपको सपोर्ट किया है हाउ डू यू फील अबाउट दैट हब पहले तो अस्सलाम पाकिस्तान और मेरे जो जो मुझे सुन रहा है बहुत ही अच्छी फीलिंग है जेपीएमसी के अंदर जाना एज अ डॉक्टर वहाँ काम करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अच्छी एक तो देखिए चले हिस्ट्री हो गई कि कोई एक पहली सामने आई जो कह रही है कि हाँ भाई मैं ख्वाजस्तरा हूँ हाँ भाई मैं हूँ मैं नहीं बदलूंगी मैं ऐसे ही पढ़ूंगी और मैंने ऐसे ही पढ़ाया और मैं ऐसे ही काम करूंगी उसके बाद इतनी फेस करने के बाद मैं बहुत लकी हूँ ऐसी गवर्नमेंट ऑफ मिली है या ऐसा माहौल मिला है और उसमें काम करना भी एक हिस्ट्री है अब मैं जेपीएमसी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की पहली ट्रांस हूँ जिसने पाकिस्तान के किसी भी सरकारी हस्पताल में काम किया है तो इससे ये मेरी अचीवमेंट सिर्फ नहीं है ये अचीवमेंट पूरी कम्युनिटी की है कि है हमारी कम्युनिटी में हम ख्वाज की बात करें औरतों को लेकर भी स्टेरियोटाइप है, है फला फला काम खातन का है ये खातन करेंगी बाकी सब काम मर्द हाँ। हजरात का है विद ऑल रिस्पेक्ट तो ख्वाजत सरा तो किसी खाते में नहीं आते तो अब जबकि डॉक्टर्स आना शुरू हुए लॉयर्स आना शुरू हुए पढ़ा लिखा तबका मेरी कम्युनिटी से आना शुरू हुआ तो लोगों को अंदाजा हुआ कि ट्रांसजेंडर इनकी सिर्फ जिन्स है जी इनका काम नहीं है वरना हमारी जिन्स को हमारा काम समझा जाता था तो अब वो स्टीरियो टाइप ब्रेक हो रहे हैं जब मैं पेशेंट देख रही होती हूँ पेशेंट से बात कर रही होती हूँ तो वो एक अपने आप में ना कहते वापस पैदा होकर अगर हाँ। ऐसा फील करें कि आप पैदा हुई हैं और आपको अपना बचपन कैसी बड़ी सब कुछ याद रहे तो कैसी खुशी महसूस होगी तो मैं अपनी जिंदगी वापस जी रही हूँ जो खो हाँ। दी थी मैंने अपनी जिंदगी वो मैं जी रही हूँ वो प्यार जो वो धुतकारा जो मुझे गया था उससे बढ़कर मुझे प्यार मिल रहा लेकिन है। आप बहुत लकी हैं क्योंकि हर कोई इस तरह इस लेवल को पहुंच नहीं सकता जो मसायब और मुश्किल इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप उसका उसका वैसे आपने बहुत से चैनल्स में रिव्यू किया होगा यकीनन और उसके बारे में बताया होगा लेकिन इसे जितनी बार भी सुने मेरे ख्याल में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा लेसन और ऐसी बात निकल कर आ जाती है जो लोगों को नहीं लगती है और जो शायद उनकी सोच के दायरे को वसी कर सकती है एक चीज कहना चाहूंगी देखें बाकी सब तो मुश्किलात जो एक आम ट्रांसजेंडर्स के लिए थी वही मेरे लिए थी वही सारी स्टोरी है 14 हाँ। साल से बाहर थी आप ये आप, आप कहां पैदाइश पैदा कहां हुई आपकी कराची में ही कराची पैदा, में ही पैदा हुई।, हुई लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाह रही हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद जब मैंने कर लिया है तो अभी भी कुछ तब एक तब का ऐसा है जो कि ये बोलता है क्या ये सच में डॉक्टर है यार कैसी डॉक्टर कैसे बनी कैसे बन गई हां कुछ कुछ अंडर द टेबल सेटलमेंट हुई है हुँ. या फिर ये बोलते हैं इतने साल लग गए कोई आकर ये नहीं सोचता कि एक वो बंदी हुँ. जिस कंट्री के अंदर उसको सिटीजन होने का राइट right ही अभी एक दो साल पहले मिला है उसने जहां पर हमारे पास स्टैंप है कि ख्वाजत सरा है तो खराब ही होगा ख्वाजत सरा है तो यही करेगा उसने अगर एक चीज चेंज की है तो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय अभी भी वो तबका है अभी है, भी है। लेकिन जैसे आपने है। बताया ये औरतों के लिए भी है कि यहाँ तक हाँ। पहुंच गई कैसे पहुंच गई अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये बातें और ये रहेंगी एक चीज बताइए कि आप एक नॉर्मल हाउस होल्ड में पैदा हुई आपको पढ़ाई लिखाई हर चीज चीज़ के मौाक़े मिले चौदह साल की उम्र में मां बाप को ये लगा कि ये जो ये सब चल रहा है ये इसके दिमाग का खलल है और ये एक्चुअली यही बात मैं हुँ. समझाना चाहती हूँ अब तो खैर मेरी अम्मी को मैं राज़ी कर रही हूँ कि, कि किसी दिन वो किसी चैनल पे बैठकर बात करें क्योंकि मेरे ख्याल से मां बाप मां बाप से जब बात करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा देखिए जब बच्चा पैदा होता है या बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो माँ बाप को भी पता होता है क्या है अच्छा ठीक, ठीक है? है बच्चे को तो देखे अब मेरी मिसाल मुझे तो था ऑनस्टी बात है मुझे लगता था मैं लड़की हूँ और जब थोड़ी और बड़ी हुई तो मुझे लगा मैं लड़की हूँ जिसके साथ थोड़ा मसला है और मैं दुनिया में अकेली हूँ मुझे नहीं पता था कि मुझ जैसी लड़कियों को जिनके साथ ये इश्यू हो उनको ट्रांसजेंडर कहते हैं ठीक है। मैं अपने आप को रोड पे खड़े होने वाली से अलग समझती थी ठीक है और यही पॉलिसी मेरे पेरेंट्स की भी थी कि अच्छा कुछ नहीं बोलो नहीं बताओ पता सबको था वो लोग भी यही चाहते थे कि मैं बस थोड़ी सी पढ़ाई कम्पलीट करूँ बाहर जाऊं ये बात दब जाए लेकिन मेरे ज़हन में एक चीज थी कि मैं क्यों छुपाई जा रही हूँ थोड़ा सा हर्ट थी मैं शिकवा देखे इंसान है अपने परवदिगार से बात वो करता नहीं, नहीं। है कभी जब वो शुक्र अदा करता है तो अपने अल्लाह से वो ये भी कह सकते हैं अल्लाह तूने ऐसा क्यों किया तुम्हें अक्सर अपने खुदा से ये बात कहती थी तो फिर मुझे लगा जब अल्लाह ने बनाया है मुझे तो मुझे नहीं छुपाना तो वहां पर इसको आप जिद कहें, अना कहें, इज्जत के सवाल कहें इसको कुछ भी कहें। मैं लड़ी हूं अपनी इज्जत के लिए अपनी पोजीशन के लिए मुझे नहीं बदलना था रूप मुझे नहीं बोलना था झूठ मैं जो हूँ मैं शुरू से हूँ ये नहीं कि अचानक से मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली और अब मैं आकर बोल रही हूँ काम हो रहा है ये हो रहा है मैं तब से ख्वाज सरा हूँ जहाँ पढ़ रही थी उन लोगों को क्या पता था आपके बारे में और वहाँ आपको किस तरह से लड़के या लड़कियाँ कैसे डील करते थे दोस्ती थी आपकी अच्छा इंटर तक तो बहुत बुली हुई इंटर तक तो बहुत क्रिटिसाइज की गई मुझे नहीं लगता कोई नाम ऐसा हमारे

तो मैं लड़कियों के साथ महफूज फील करती थी मैं लड़कों के साथ जब जाती थी तो वो मुझे इधर उधर जब टच करते थे उस वक्त जो सीनियर लड़के थे टच करते थे तो मुझे बुरा लगता था मेरे अंदर वही अपनी इज़्ज़त बचाव वाली जी। चीज़ होती है ना नेचुरल वो थी और मेरी इस्लामियात की टीचर्स बेचती नाम नहीं लेते हैं चले और इस तरह के काफ़ी टीचर्स वो मुझे बाकायदा मारते थे मेरे कान में दर्द मुझे अभी भी वो दर्द याद है जिस तरीके से मुझे माल पिटती थी कि तुम लड़कियों में क्यों रहते हो अच्छा तुम्हारा तो क्या सीन है और मैं बोल मैं क्या उन्हें बोलती हुँ. मैं उन्हें समझा समझा कर बोलती ये मेरी बहनें हैं मैं महफूज फील करती हूँ मैं वहां जाती हूँ मुझे अनअप्रोप्रिएटली टच हुँ. किया जाता है मुझे स्कूल वैन में टच किया जाता है मुझे मेल वॉशरूम में टच किया जाता है मैं मेरे लिए वो जिंदगी एक से कम नहीं थी अल्लाह ने मेरे परिगार ने मुझे बहुत दिया है मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ लेकिन लोगों ने वो जहनुम बना दिया था ठीक है इंटरमीडिएट तक ही होता रहा फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना भी तो अपने आप में वो एक दो होती जब मैं आई तो इंटर में आकर मैंने ये सोचा कि मैं पढ़ने में अच्छी थी काफी तो मैंने सोचा नहीं और नहीं छुपाना है और मैं करूंगी फिर जब बात आई मेडिकल में जाने की सबने मुझे बहुत समझाया कि ऐसा है वैसा है तुम पढ़ने वाले हो और ये और मुझे वो सीधे छुपती थी क्योंकि मैं एक लड़की को आप लड़की हैं मैं आपको करता हूँ जाता हूँ बैठता हूँ करके बोलूँ तो आपको तकलीफ होगी मुझे भी वो तकलीफ होती थी जब मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लेना था मेरे इससे भी ज्यादा ही बड़े बाल थे तो मैंने वो बाल कटवा कर इतने इतने किए पर

उसी जी अच्छा हमारी हाँ। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी ख्वाज सरा कम्यूनिटी है, है तो उनके माँ बाप आई डोंट नो क्या सिस्टम है है क्यों ऐसा होता है, उनके नाम भी मर्दाना रखे जाते हैं और उनके जिन्स में ही मर्द लिखा जाता है।, ठीक है तो ये एक था वो अपने बच्चों को ठीक ठीक बच्चों को मर्द की तरह रेस करना तो कर उसी तरीके से आपने लेकिन उस तरह से रेस तो कर पाए लेकिन मेरे में तो वो चीज थी नहीं तो मेडिकल कॉलेज गई तो मेरी प्रिंसिपल ने जब मेरी बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स के मार्क्स देखे आई वाज वेरी तो शी गेव मी एडमिशन और दो तीन महीने के अंदर ही कॉलेज में पता चल गया था कि इसके साथ कोई इशू है हालांकि उसको इतने गायू इज देयर तो देन आई केम फॉरवर्ड टेल नो देर इज नो इशू विथ मी देर इज अ जेंडर कॉल्ड ट्रांसजेंडर एंड आई बिलोंग टू दैट ठीक है तो आपके अनाउंस बाद no, like, oh, yes, अच्छा, अच्छा. हाँ. तो भी नई बात थी. एक ट्रांस क्लियर करके आई है मेडिकल एडमिशन टेस्ट और एमबीबीएस में एडमिशन ले ली कहा बिठाए कौन सा वॉशरूम यूज करेगी क्या करेगी बट माई कॉलेज वॉज वेरी सपोर्टिव हाँ क्लास में जो शुरू में थे देवर बुरा नहीं कहना चाहिए चले छोड़े। लेकिन उन्होंने उनकी वजह से मेरे बहुत ही जाये हुए जो मेरे अभी के बैच थे वो इतने सपोर्टिव थे कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि कोई इशू है और मैंने इतनी स्मूथली बल्कि चार महीने पहले ही मेरे पेपर हुए मैंने क्लियर कर लिया माशाल्लाह तो इट इट्स टाइम भी लगा ना देखें एज अ सोसाइटी भी टाइम लगा अब पार्ट फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक जमाना भी तब्दील हो रहा है ना लोगों को भी कुछ कुछ अंदाजा हुआ कि जी ट्रांसजेंडर ये वो राइट्स अब किस तरह से है फिर एक्सेप्टेंस उनकी जिस तरह आपने कहा कि पहले तो आप देखें ना आई कार्ड्स के इशू दीगर इशूज तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्टेंस आती गई और होती गई तो देखिए फर्स्ट जो आती है उसकी कुर्बानी देखिए मुझे टाइम जरूर लग गया करने में एमबीबीएस लेकिन मैंने ये करके लोगों के लिए आसानी दो तरीके से पैदा कर दी है एक आने वालों के लिए और एक ऑलरेडी जो हैं कर चुकी हैं पर माशरे की वजह से बता नहीं सकती हैं कि हम ख्वाज सरा है वो अब जब मुझे देखेंगी तो शायद उनके अंदर आएगा कि नहीं हमें भी इज्जत मिलेगी हमें भी इज्जत मिलेगी और देखें लुबे लुबाब एक और भी है जो आपकी इस इन बातों से जा सकता है कि तालीम आपको वो इज्जत दिलवाती है बिल्कुल देखें तालीम ये हर किसी के लिए है लड़का हो लड़की हो ट्रांस हो जो भी हो लेकिन इनकी स्टोरी में जो सबसे ज़्यादा आज इनका इनके पास है और जो कोई इनसे छीन नहीं सकता सब छीन सकते हैं मगर इनसे क्या नहीं छीन सकते इनकी डिग्री इनकी तालीम जो इनके जहन में बिल्कुल So, वो वो उसके लिए आपको मुबारक हो कुछ इमोशनल भी हो गई आंसू भी आ गए बस ऐसे बस हो गया हाँ। मुश्किल वक्त था निकल गया और बस अभी भी मैं बाकी सबसे माशरे से ये कहना चाहूंगी कि गलती हर इंसान से होती हैं हम सब से होती हैं हमारी कम्युनिटी से भी हुई होंगी होती रहेंगी हम भी बहुत कुछ दरगुजर करते हैं आप भी दरगुजर करें और मिलकर साथ दें हमारा ताकि हम एक बेहतर मुस्तबिल सके और पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क की तरफ ले जाने में आपकी मदद कर सके एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थैंक यू सो मच सारा फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट टू यू अभी भी आप हॉस्पिटल <laughs> uh, से ही आई आइए और अच्छा काम करती रहिए और अच्छे मैसेजेस फ्लोट करती रहिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी जिस तरह आप काम करना चाहती हैं और अपने काम के जरिए प्रैक्टिकली उनको करके दिखा रही हैं कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट टू यू और आपसे फिर मुलाकात होगी और होती रहेगी आपसे भी मुलाकात होती रहेगी अभी बड़ी जल्दी जल्दी सारा ने सारा कुछ बताया क्योंकि सेशन हमारे ये छोटे छोटे होते हैं लेकिन ये बहुत ही मुझे दिल पे लगने वाली बातें थी इनकी सो आप भी सुनिए और हमें अपना फ़ीडबैक पहुंचाइए, अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज